हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में लगभग 5% से ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिली। एक मारा बुजुर्ग कैंडल यहाँ पर बन चुका है। स्टॉक 13.25 रुपये पे क्लोजिंग देता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो फ्रेंड, क्या यहाँ से स्टॉक और ऊपर की तरफ जा सकता है, और यदि जाएगा तो क्या टारगेट हमें यहाँ पर रखने चाहिए, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। 10.5 रुपये के आसपास स्ट्रगल करने के बाद स्टॉक में यहाँ पर हमने तेजी देखी थी, और यह तेजी स्टॉक को एक रेंज में बांधती है। देखिएगा लगभग 12.5 से लेकर 10.5 रुपये तक इस 10 पॉइंट की रेंज में स्टॉक यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, और फाइनल स्टॉक के अंदर आती है बड़ी तेजी, ब्रेकआउट होता है 12.5 का, और स्टॉक यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है लगभग 15 रुपये की तरफ। फिर से स्टॉक में यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दी, वो एक बार बड़ी तेजी के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ चला लगभग 18.5 तक। फिर से गिरावट होती है, एक बार फिर बड़ी तेजी आती है 18.5 रुपये तक की, और फाइनली होती है गिरावट। अब हम देखते हैं स्टॉक यहाँ से गिरावट करता है, लेकिन जो नीचे रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। इस लाइन पर स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट जनरेट कर रहा है, और सपोर्ट जनरेट करके स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलती है। इसी तरह बैक टू बैक हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिले, और स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी हर बार देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और सपोर्ट लेकर के आज के दिन स्टॉक ऊपर की तरफ चल चुका है। ये देखिएगा यहाँ पर कंसोलिडेशन में स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिली है। यदि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी तो कल के दिन जो ग्रीन लाइन है, जो कि 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट लेगी, और स्टॉक ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि यहाँ की हम बात करें कि क्या टारगेट रखना चाहिए, तो यदि यहाँ पर आप एंट्री करते हैं तो आपको नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो कितना रखना होगा, तो 12.5 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से जो टारगेट की अगर बात करें, तो यहाँ से यदि स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा तो लगभग आपको 15 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, था हमारा टेक्निकल व्यू वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।